चीन में जैसे जैसे चुनावों का दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं का जमघट भी बढ़ता जा रहा है। वादे किए जा रहे हैं चीन के विकास के, दिखाई जा रही है बदलते कल की तस्वीर। यही तस्वीर लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु पत्रकारों से रूबरू हुए। उनका कहना था कि जींद के उपचुनाव में कांग्रेस व इंडियन नेशनल लोकदल दोनों ही अपने भीतर की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब भी भीतर की लड़ाई लड़ चुके होंगे तो उसके बाद तय होगा कि इनके बाद किसका मुकाबला भाजपा से होता है। फिलहाल जींद चुनाव में भाजपा पहले नंबर पर है, वहीं कांग्रेस व अन्य दल दूसरे व तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना था कि आज देश में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, वहीं हरियाणा में भी विकास गति पकड़े हुए है। उन्होंने बताया कि जींद में भाजपा ने पीने के पानी के साथ अन्य विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाया है। वहीं कृष्ण मिड्डा को भी टिकट इसलिए दिया गया है क्योंकि उनके पिता ने दिल से जींद की जनता की सेवा की थी। जींद की जनता ने उन्हें 5 वर्ष के लिए जींद की जिम्मेवारी सौंपी थी। कृष्ण मिड्डा अपने पिता के कर्ज को चुका पाए, यही सोचकर भाजपा ने टिकट दिया है। इसके अलावा कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि जींद की जनता बहुत समझदार है और वो सोच समझकर फैसला करेगी, भाजपा को मौका देगी। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो खुद मुख्यमंत्री थे, उनके पिताजी के नाम की यूनिवर्सिटी थी। वो कितना इसमें निर्माण कर गए और कितना वो इसमें बिल्डिंग बना गए, कितने इसमें सैंक्शन कर गए, उनके समय की सैंक्शन और आज के समय की सैंक्शन में 10 गुना का अंतर है साहब। दूसरी बात, जो एनएचआई का जो विषय है, जींद रोहतक रोड का एक मामला जो लटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। आज भी मेरी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से बात हुई, कल भी बात हुई थी, परसों भी बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट में लटका होने के कारण ये जींद रोहतक की सड़क, इस मामला अभी ये अटका है। बाकी जितने भी हाईवेज हैं, ये सारे हाईवेज अब पूरे होने की प्रक्रिया में है। आपका जो नरवाना की तरफ से आने वाला है लगभग पूरा होने की स्थिति में है। अब लगभग सारे हाईवेज, अब वो उसका कार्यालय, वो पहले से कोई वो रोहतक में है या वो कहीं और है, कार्यालय होने से इसका कोई अंतर नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर के काम में गति होनी चाहिए। केंद्र सरकार के कार्यालय वो उनकी अपनी योजना से खुलते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे है तो जिलों के अंदर से निकलना है। किसी न किसी जिले में कार्य होगा, किसी में नहीं होगा। विपक्ष के साथियों ने जींद में अपनी हार को स्वीकार कर लिया है और वह दूसरे और तीसरे की लड़ाई में, इसलिए इसको सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल की संज्ञा दे रहे हैं। दूसरा, कि जिस प्रकार से देश में वातावरण है, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने देश में एक जिम्मेदार, जवाबदेह, पारदर्शी राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत की है और उसी राह पर चलते हुए हरियाणा प्रदेश में श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली आपकी सरकार ने एक ईमानदार, पारदर्शी, जवाबदेही, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक की नीति पर चल करके एक नई राजनीतिक और सरकार की शासन संस्कृति की शुरुआत की है। हरियाणा की जनता ने उसको सर आंखों पर बैठाया, हरियाणा की जनता ने उसको अपना पूरा समर्थन दिया है और लगभग हर जगह हर बार हमको समर्थन पूरे प्रदेश में मिला है। और इसका प्रमाण इस बात में है कि जींद में 10 साल हुड्डा सरकार के समय के हुए कार्यकाल और उससे पहले 6 साल इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकाल की तुलना में जो विकास के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, जींद की जनता बड़ी बहादुर जनता है और जींद के लोग सच्चे और ईमानदार हैं। हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए पहली बार हमने फैसला लिया कि जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं उनको भी 58 साल की उम्र में उनको रिटायर ना किया जाए। उनकी रिटायरमेंट की एज को हमने 65 साल तक कर दिया और ये हरियाणा में पहली बार ही निर्णय हुआ है। साथ ही साथ हमने एक अलग से कि जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, मुझे ठीक से याद नहीं, 70-80 हजार रुपए की तनख्वाह कॉन्ट्रैक्ट पर प्राइवेट डॉक्टरों को लेने के लिए ये फैसला भी हमने किया कि कोई भी प्राइवेट डॉक्टर आकर के ज्वाइन कर सकता है।
इतने प्रयासों के बाद भी कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सेवाओं का सरकारी स्तर पर जो विस्तार हुआ है उसमें निश्चित तौर पर डॉक्टरों की कमी है, लेकिन ये पहली बार ये प्रयास करके उस कमी को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जींद के लोग तब तक मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना है आप जानते हैं कि उसके स्थापना का निर्णय, जमीन का अधिग्रहण, उसके बाद में उसके लिए हमने प्रारंभिक बजट की मंजूरी भी दे दी और उसके निर्माण की प्रक्रिया, फिर उससे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से परमिशन लेने की प्रक्रिया, ये सारी प्रक्रिया महत्वपूर्ण ये है कि वो निर्णय करने का, वो एक हिम्मत दिखाने का काम के 700-800 करोड़ रुपए जींद में खर्च करने की मानसिकता और ये संकल्प ये केवल भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। और आप विश्वास मानो, भरोसा करो कि हम अपने ही कार्यकाल में, इसी सरकार का कार्यकाल और अगला भी सरकार का कार्यकाल हमारा ही होगा, हम जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज निश्चित तौर पर उसको सार्थक करेंगे, उसको साकार करेंगे।